राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो दिन है संडे, सुबह का टाइम है, मैं लग गई हूँ अपने काम पे और आज भी करनी है रसोई की क्लीनिंग क्योंकि बच्चे घर पे थे। तो मतलब और तो किसी का मुझे इतना वो नहीं होता, लेकिन हाँ, आराध्या का थोड़ा सा होता है, खासकर से किचन की क्लीनिंग करें तब, क्योंकि इसमें थोड़ा सा सामान वैसा होता है, ज़्यादा सामान इधर से उधर रखना, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कुछ चीज़ें। तो इस करके मुझे ये था कि भी आराध्या हेल्प कर देगी, और किचन का मुझे ये था कि मैं संडे वाले दिन ही करूँगी, और आज हो गई तो हो गई, अगले संडे को क्या पता कहीं पर जाना पड़ जाए। और फिर अगले संडे को तो हमारे जय का बर्थडे है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि आज ही मौका है, आज ही कर लेते हैं। और यहाँ पे बीच में सफाई करते करते मैं आ गई थी डॉक्टर के, क्योंकि वही जो बोतल है वो लगवानी रह रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये तो अपने कंप्लीट करनी है, और सारी कंप्लीट कर करके भी एक टाइम की जो बोतल है ना वो राख दी, क्योंकि उस दिन जैसे सुबह का टाइम पर तो मैं लगवा गई, लेकिन शाम का टाइम पे काफ़ी लेट भी हो गई, याद नहीं रही, और याद आई काफ़ी लेट, 8:30 तक भी ऊपर का टाइम बेसंग हो रहा हो, 8:30 का तो ज़रूर हो रहा था। और उस टाइम पे मैं अपना रसोई लाग रही थी, धोन सारे कपड़े भीज रहे थे, फिर मैं कहा चल कोई ना, इतना ना जाया जा, बस सवेरे चल लाँगे, सवेरे फिर मैं कहा रहने दो, ये तो बतेरी लाग ली तो जरूरी है ना, और यो ही गोलियां को अगर भी आराम हो अगर तो फिर लेइए को नहीं जावे, मैं रह ही जाया अगर जो सी गोली दवाई दे रखी हो, बस गोली दवाई तो इतना ही चलना, इतना शरीर में दिक्कत रहा है, दिक्कत ठीक होने तो वे चेक कई टाइम की रह रही हूँ मैं, छोड़नी है छोड़नी है। और आके ना फिर लागी थी मैं, और उसके बाद फिर अपना वीडियो का काम कराया, रेस्ट कराया, और यो है भाई इब शाम का टाइम, ठीक है, तो काफ़ी सोए भी हाँ आज हम 2-2.5 घंटे आराम कराया है, उसके बाद चाय पानी पी के हैं, और शाम के टाइम पर दोबारा तो फिर लागी हूँ मैं, अंदर लाग रही थी और मास्टर जी ला दिए थे मैंने एग्जेस्ट फैन का, क्योंकि भैया मेरे पे बिल्कुल भी साफ़ नहीं हो रहा था, कोशिश बहुत करी मैंने, एक तो इसमें जो जाली सी है ना वो लाग रही थी, तो बाहर की तरफ तो आते नहीं जावा था, बस पीछे पीछे तो साफ़ कर दिया। और फिर मैंने मास्टर जी लाए तो इनने ऐसा काम कराया भाई, हाँ या तो करना ही नहीं, करना है तो फिर जब टेम कितना ही लाग जाओ, अच्छी तरह तक करना है, तो इन फिर सारा वो पेचकस ले आलू, इसके खोल खाल, मतलब ये तो ये वैसे लाग रहे हैं, वे इसने खोल भी गए, जाली काट कूट पंखे की फेंक दी, वही फिर या दिक्कत देगी, जाली का के काम है, तो बहुत टेम लाग गया हमने, कम से कम 1.5 घंटा तो हमने इस पंखे ने साफ करते करते लाग गया, इतनी चिकनाई हो रही थी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा। तो वही सामान सारा निकाल के रख दिया है, देखो वो अगर ये रैक नहीं बने हो तो रसोई में सामान कितना बार, ये तो आधा सामान है क्योंकि ज़्यादातर सामान हमारा नीचे रखा है, क्योंकि खाना वगैरह ज़्यादा वहीं पर बना है, यहाँ पर तो बस फालतू की चीज़ें हैं। ये देखो क्या बात है, ये वे सारी चीज़ धोनी पड़ेगी। मास्टर जी बाहर पंखा साफ कर रहे हैं, क्योंकि एग्जेस्ट फैन मेरे को होया को नहीं, और सारे रैक खाली कर दिए हैं, ऊपर को साफ कर दिया है, ये मैं ये जो रैक है ये साफ कर दूँ अंदर तक, ठीक है, उसके बाद फिर स्लैब और रसोई ना धोऊंगी, क्योंकि एक ये जो दीवार है वह धोनी है अच्छे से, और फिर अपना कितने सेटिंग होनी शुरू होगी, तो आज तो को नहीं होगा, आज तो नुए जितना काम बनेगा ठीक है, बाकी नुए कल तक तो निमटा ही देंगी सहज सहज है। हाँ लट्टू भी तो वही है, सही सफाई तो उस करके हो करती, सही रेत तोड़ा हो करता। सारा साफ हो गया, सारा साफ हो गया, बड़े ही इतने रैक करने, कितना दे तो ऊपर हो गई है, पर यूपी के पंप के अभी तक मैं भी इतने रैक साफ करूंगी, इन्हें टेक लग रही है, नहीं होते नहीं तो सब कह रहा है मारो पानी की बाल्टी में, पानी गलत बाहर है, ओ बड़ा बिजली कटर लग रहा है नहीं, ऊपर को कर दे कर दी, तो पाइप गला है हाथ ने नहीं कौन देखा, बैड है, बिजली का बोर्ड भी है, बल्ब का बोर्ड भी है, वो तो तेरी किस्मत अच्छी थी, तो बच्चे की बाथरूम तो पानी गला धोवा नहीं, थोड़े बे ऊपर तो लाग जी छत्ते ने धोना है, कोई नहीं पंखा तो तड़के करना पड़ेगा सब, सारा यार बने नहीं फिर और भी बढ़िया काम, हां जब सारा एक जगह होना लायक जगह तो तब मुझे निकलवानी पड़ेगी, फिर
चिमनी भी के काम कराई ना, चिमनी का फर्क पड़ेगा, चिमनी भी साफ करनी पड़ा है, बेरंग है, निश्चय करावांगे फिर तो यार, रसोई रसाई का सारा छोटी बनाएगी अपना, ना ना यार सारे रैक रुक उतर का निश्चय हो जाएगा, बस वो पत्थर पत्थर की हुआ पड़ेगी। नोरिया गाना तो ईब अपने जो रैक हैं वो साफ़ कर दूंगी, तो ये भी एक बार सरफ का पानी था, दो बार फिर गिल्ला कपड़ा था, एक बार फिर सूखे कपड़े था, तो टाइम बहुत ज़्यादा लग गया था। और भी सफाई भी मतलब डीपली क्लीनिंग, सच बताऊँ ना ईब तो मैंने बेरा को नहीं कह भी नहीं हो गए थे, नहीं मैं कर दी रहा कर दी, क्योंकि मेरा नहीं क्या था पिछला टाइम था ना, मैं कई महीने था बिचली सी ये रही, मैं समझ में को नहीं आया सिस्टम के हो रहा था के नहीं हो रहा था, तो उस समय मैं कुछ नहीं कर पाई, मतलब जब मैं सारा घर में सही नू क्या करें ना सही सफाई वाला हो रहा है तो वो वाला काम हो रहा है, मतलब जैसे पर्दे वगैरह भी और तो बस ही भी है भाई, मैं ना जल्दी तो जल्दी अपने घर के सारे जितना भी जो भी चीज़ें हैं बेडरूम में चाहे ड्राइंग रूम में चाहे किचन में सारे निपटा दूँ जल्दी तो जल्दी, और ज़्यादा मेरे को वो चढ़ा हुआ है मतलब भाई बालकनी बोल रही हूँ सॉरी, मतलब जो हमारा गार्डन एरिया है बाहर वाला उसका, उसके लिए तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और या फिर ड्राइंग रूम किचन के लिए भी हूँ, किचन भी थोड़ा सा दिखा ऐसा वो होता है भाई यहाँ पर हम ज़्यादा टाइम अपना बिताते हैं ना, और ड्राइंग रूम बालकनी और किचन तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उनका फाइनल लुक देखने के लिए, तो किचन का तो आप लोगों को कल देखने को मिल जाएगा है ना, ज़रूर देखना, और भाई मेरी मेहनत के लिए प्लीज़ एक लाइक कमेंट ज़रूर कर देना। और यहाँ पे मास्टर जी ने खोल दिए थे नट नट सारे ले आके, बिल्कुल अंधेरा हो गया था, इन भी काफ़ी मेहनत करी भाई उस दिन, मतलब पंखा वैसे साफ कराया लेकिन टाइम इन बहुत ज़्यादा लग गया, लेकिन ये है कि भाई अच्छे से साफ़ हो गया, क्योंकि अगर पहले कदे होया होगा तो फिर वो ईसा ही होया होगा, क्योंकि हाथ जावा ही नहीं था तो फिर अच्छे तक कैसे साफ़ होगा, लेकिन आज यू है अच्छे तक साफ़ हो गया। और ई बस ये अंदर तय पंखे ने जो बंद करन लाग रहे हैं इसके नट नुट, और मैं अपने लागे रही हूँ भी काम पे, मैंने तो बिल्कुल रात हो गई थी यू अपना काम निपटाते निपटाते। लो भाई रात के 10 बज गए हैं और किचन हमारी पूरी तरह से साफ हो चुकी है, दो दिया जमा रगड़ रगड़ के देख लो जमा चमका रखी, और पंखा देखो कितना टाइम लग गया पंखा में, डेढ़ घंटा तो आराम से लग गया, इतना चिकना हो रहा था सारा पंखा खोल गया नट नुट और फिर साफ करा, वरना साफ होने का कोई मतलब ही कोई नहीं बनाया था। और ये देखो रैक भी जो मैंने पूरी चमका दी है स्लैब वगैरह, ये तो मैंने धोया ही है सारा नीचे नीचाड़ा तो, और ये देखो खिड़की इसकी भी शक्ल इसी हो रही थी, कपड़ा मारा थे ना साफ ही नहीं हुई थी, तो आज ये स्टील वूल तो मतलब स्टील वूल तो कोई था वो मिक्स आए था उस गला साफ करके अच्छे थे और धो दिया है, सारी रसोई साफ कर दी है, फ्रिज साफ है, तो ईव मैं करूँगी बर्तन साफ। हाँ बेटा कुछ ही मतलब साफ कर लेंगे और कुछ करांगे फिर सवेरे, ताकि सवेरे जो काम है वो आसान हो जाए, क्योंकि सवेरे भैया राधे अब स्कूल में जाओगी तो मैं अकेली हूँ, तो इस करके कुछ तो मैं जरूर निपटा के सोऊँ, तू करवा देगा तो जब का कमरे में बैठा है। तो रात ने मैं बस इतने बर्तन साफ़ करके सोई थी भाई, क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी, ये भी न लगा दूंगी और फिर बाकी और भी दूंगी, तो यहाँ पे पतीला में जो पानी है वो गर्म होना रख दिया है, इसमें डाल दिया है विनेगर और ईब जो सरफ है वो भी डाल दिया है, ईब इसके अंदर जो किचन टावल है सारे वो डाल दिए हैं, तो इससे क्या होगा ना मतलब ये आसानी से साफ हो जाए, ज़्यादा मेहनत नहीं मांगते, वरना एक तो चिकना ला गया हुआ है ऊपर तो फिर थोड़े से अगर ज़्यादा टाइम लगा दें हम धोने में तो ज़्यादा ही गंदे हो जावे हैं, टाइम बहुत ज़्यादा ले ले हुए हैं हमें, बार बार साबुन लगानी बार बार वो करना, इस टाइम की जो गंदगी है ना वो जल्दी चली जाएगी, मतलब आसानी से साफ हो जाएंगे बिना किसी मेहनत के। इतना सामान चीज भी है इसमें तो, अटका गया था पापा कितने रुपए का नुकसान करके लाए हो, तेल।
और ये जो क्लिप है ये सोमवार की, इस टाइम पे शाम के 3:30 का टाइम हो गया, क्योंकि 3 बजे तो बच्चे आवे हैं, 3:30 हो गए, मास्टर जी भी आ गए हैं, बच्चे भी आ गए हैं स्कूल में, तो और मेरा भी जो सारा काम है वो निमट गया है, 1 बज गया था आराम तक, उस टाइम तक मैं अपना जो काम है वो निपटाया, और बस उसके बाद फिर अपने थोड़ी देर रेस्ट कराया, चाय चू पी, उठ के ही बना के अपना सिर धो के आई थी। मेरे तो भी ज्यादा बनवा अभी कर ले, आपका एक ब्लॉग चैनल है बनाए दी हूँ, अरे देखो भाई बड़ी काम की है भाई, दोनों बुढ़िया मेरा तो नहीं मैं बोली देख मेरी बात सुने, मैं बोली काकी आप तो खाली डिब्बे ले हुए और एक समोसा तक नहीं खुआया आज तक, कह भी नहीं हो गया दुकान खोले मेरे, मैं क्या भूलू, मैं भूलू कौन इस बात ने, मैं समोसा खा के मानूंगी एक समोसे नहीं, 12 साल हो गए कदे बहू का नहीं भी लग गया है, ना कड़ बनाई है ना काकी नु बोली अक्तम नु को सार दिन वीडियो बनवा, वीडियो बनवा दे, फायदा है वीडियो बनवाने का, इबे के है, इबे तो बसा में भी फेटिया करेंगे, काम जाया करेगी जद, हाँ तो चलो भाई आज के ब्लॉग में इतना ही, और कल मिलूंगी आप लोगों के साथ किचन टूर के साथ, जरूर देखना वो वाला वीडियो, ठीक है, और ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताना कमेंट करके, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट जरूर कर देना।